अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। मेरा नाम अंकुश है और ये बात है तकरीबन 6 महीने पहले की। एक रात मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। अभी मैं आधे रास्ते में ही था तभी अचानक मेरी गाड़ी बंद हो गई। उसके बाद मैंने वापस से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसके बाद मैं गाड़ी से उतरकर बाहर से गाड़ी को चेक करने लगा लेकिन तभी अचानक मेरे कानों पर किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई। वो आवाज़ सुनकर मैंने आसपास चारों ओर नज़रें दौड़ाई। तब मुझे समझ आ गया कि वो छोटे बच्चे की आवाज़ मेरे सामने से एक घर से आ रही थी। वो घर एकदम पुराना लग रहा था। वो देखकर मैं कुछ अंदर से सोचने लगा, अरे ये बच्चे के रोने की आवाज़, लेकिन ये घर तो बहुत ही ज़्यादा पुराना लगता है। क्या सच में इस घर में बच्चा है या फिर ये मेरा कोई वहम है। कोई बात नहीं, मैं अंदर जाके देखता हूँ। ऐसा सोचकर मैं उस घर के अंदर जाने के लिए निकल गया। उसके बाद मैं जैसे ही उस घर के अंदर चला गया वैसे ही उस घर में एकदम काला अंधेरा छाया हुआ था और वो छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ भी बंद हो चुकी थी। उसके बाद मैं फिर से कुछ मन में सोचने लगा, पता नहीं ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आई थिंक ये मेरा वहम होगा, चलो वापस जाते हैं। ऐसा सोचकर मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था तभी अचानक मुझे किसी लड़की की डरावनी हंसी सुनाई देने लग गई। ये सब कपा देने वाला था। पहले वो बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हो गई और उसके बाद एक औरत की भयानक हंसी की आवाज़, उसके साथ साथ ये घना काला अंधेरा, इन सब चीज़ों ने मेरे आसपास के माहौल को डरावना बना दिया था। और ऊपर से मैं बिल्कुल अकेला और निहत्था था इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं जल्द से जल्द उस घर से बाहर निकलना चाहता था लेकिन अब वो बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था और मेरे चारों ओर एकदम घना अंधेरा छाया हुआ था। लेकिन मैं जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था और कुछ देर बाद मैं उस घर के छत पर आ गया और मैं फिर से अपने मन में कुछ सोचने लगा, नीचे का रास्ता तो बंद है, अब मुझे यहाँ से ही बाहर निकलना होगा। ऐसा सोचकर मैं उस घर के पाइप की मदद से नीचे उतर गया और फाइनली मैं अपनी गाड़ी के पास आ गया। उसके बाद मैंने मेरी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और लकीली उस वक्त मेरी कार स्टार्ट हो गई और उसके कुछ देर बाद मैं सही सलामत अपने घर पहुंच गया। अभी इस बात को 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन मुझे पता नहीं कि उस घर में चुड़ैल थी या डायन थी और वो किसका घर था, बट फिर भी मैं आज भी वो रात याद करता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि उस भयानक घर के अंदर जाना मेरी बेवकूफ़ी थी या फिर मेरी हिम्मत थी।